फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग सेल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और रेकमेंड की जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इसके ऑथर जे ब्लाउंट एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार और वक्ता हैं, और उनका सेल्स बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। उनकी पुस्तक का आधार सरल है, यदि आप उनके मेथड को अपनाते हैं तो कई सेल्स गुरु सफलता, महंगे टिकट और कारों का वादा करते हैं, लेकिन वे आपसे झूठ बोलते हैं। सेल्स में सफल होने के लिए किसी के लिए कोई अचूक तरीका नहीं है, लेकिन अगर कोई तरीका होता तो उसका एक सेंट्रल पार्ट एक्सप्लॉइटेड होता, और इसके 304 पेजेस इसी के बारे में बात करते हैं। फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं? फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग का शुरुआती पॉइंट, सेल्स गुरु कहते हैं कि बेचना आसान है, बेशक अगर आप उनकी मेथड को अपनाते हैं। और वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी चीज को आसान दिखाना सबसे अच्छे मार्केटिंग तरीकों में से एक है, लेकिन यार रियलिटी तो अलग है, और सेठ गोडिन ने अपने बेस्ट राइटिंग्स में से एक में जो कहा है उससे कहीं ज्यादा यह रिलेटेड है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि कोई बताया गया शॉर्टकट सच में काम करता है तो यह मार्केट का स्टैंडर्ड बन जाएगा और कोई शॉर्टकट नहीं रह जाएगा। इसलिए शॉर्टकट या नई सेल्स ऑटोमेशन या कोई दूसरी ट्रिक आजमाना अक्सर समय की बर्बादी है। इसके बजाय उन स्ट्रेटजीज को सुधारने और स्मूथ बनाने पर फोकस कीजिए जिनकी बिजनेस में आपके पूरे जीवन में काम आई है। और सेल्स की दुनिया में सबसे एस्टैब्लिश टेक्निक प्रोस्पेक्टिंग है। आपको प्रोस्पेक्टिंग की आवश्यकता क्यों है? किसी भी सेल्स पर्सन की प्राथमिकता अपने फनल को पूरा रखने की होनी चाहिए। यही कारण है कि कुछ बेहतरीन सेल्स पर्सन अपने दिन का 80% तक समय इसी काम में बिताते हैं। ऐसे तीन लॉज हैं जिन पर यह स्टेटमेंट बेस्ड है। नंबर वन, आवश्यकता का यूनिवर्सल नियम। नंबर टू, 30 दिन का नियम। नंबर थ्री, रिप्लेसमेंट का नियम। आवश्यकता का यूनिवर्सल नियम, आपको किसी चीज की जितनी अधिक आवश्यकता होगी उसके मिलने की संभावना उतनी ही कम होगी। यह फेल नहीं होता। आवश्यकता आपके डिसीजन को धूमिल कर देती है और आप बदतर डिसीजन ले लेते हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट से भी अक्सर निराशा ही मिलती है। खुद को लीड की आवश्यकता की फीलिंग से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये लॉज है। 30 दिन का नियम। यह नियम कहता है कि अगले 90 दिनों में आपके द्वारा क्लोज किए गए सभी डील्स पिछले 30 दिनों में आपके द्वारा की गई प्रोस्पेक्टिंग पर निर्भर करते हैं। इसलिए डील्स को क्लोज करने और प्रोस्पेक्टिंग से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना जितना आकर्षक है, उतना ही यह आज के लिए रोटी है और कल के लिए भूखा रहने जैसा है। रिप्लेसमेंट का नियम, कल्पना करें कि आपके पास इस महीने 40 प्रोस्पेक्ट्स हैं और एवरेज आप 10 में से 1 प्रोस्पेक्ट के साथ सेल्स क्लोज कर देते हैं। यह भी कल्पना करें कि आपके सप्ताह की शुरुआत अच्छी रही है और आप जिसे सबसे पहले कॉल करते हैं उसके साथ डील क्लोज कर लेते हैं। इससे आपके लिए फनल पर 39 संभावित डील्स बच जाते हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, यह आपके लिए फनल में केवल 30 संभावित डील्स बचते हैं, क्योंकि आपके आंकड़े कहते हैं कि अगले 9 कॉन्टैक्ट्स पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस लीड को बदलने के लिए आपको 1 नहीं बल्कि 10 नए लीड की आवश्यकता होगी। यदि आपने पहले ही खुद को समझा लिया है कि आपको प्रोस्पेक्ट्स बनाने की आवश्यकता है तो आपको यह कैसे करना चाहिए? अपनी किताब में जेब कहते हैं कि वह आमतौर पर अपने बातचीत की शुरुआत एक चुटकुले से करते हैं। आप प्रोफेशनली काम को कैसे क्लोज करते हैं? आराम से आप उसके सामने फोन रख दीजिए। यह चुटकुला एक सच्चाई को मंदिर की तरह छिपा देता है। किसी को भी टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग पसंद नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग करना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। इसमें मेनली ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना शामिल है जो आपसे यह उम्मीद नहीं करते कि आप उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। इसलिए यह अक्सर फोन के दूसरी तरफ झुंझलाहट और रिजेक्शन का कारण बनता है। हालांकि टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग काम करता है और यह इसके बाकी ऑप्शंस की तुलना में बहुत बेहतर काम करता है। हर फोन कॉल रिस्पांस ईमेल्स की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है और सोशल नेटवर्क पर दर से प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हर फोन कॉल रिस्पांस दर 8.1% है। दूसरी ओर ईमेल पर रिस्पांस दर 0.03% है। इसका तीन कारण है। लोग हमारे ईमेल की तुलना में हमारे फोन से अधिक जुड़े और जागरूक हैं। क्योंकि लगभग सभी कंपनियां ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग पर स्विच कर चुकी हैं, इसलिए जो कंपनियां इसे फोन के जरिए करती हैं वे सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। किसी इंसान की आवाज सुनने और तुरंत रिस्पॉन्स देने में सक्षम होने की शक्ति स्क्रीन पर ईमेल पढ़ने की तुलना में असीम रूप से बेहतर है। सच में कस्टमर्स को हासिल करने के लिए ठोस इनबाउंड मार्केटिंग रणनीतियों वाली कंपनियों को भी टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग को ट्राई करना चाहिए। क्यों?
सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स आपको कॉल करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। अपने आप को उनकी जगह पर रखें। उनके खाते बहुत वैल्यूएबल हैं और उनके दरवाजे पर अक्सर सेल्स पर्सन का एक समूह होता है जो उन्हें अपना समाधान बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यदि आप इंतजार करते हैं और यह सोचते हैं कि वह उन सभी के प्रोडक्ट्स को फेंक देगा और आपको ढूंढेगा और आपसे संपर्क करेगा, तो आप लंबे समय तक बैठे बैठे इंतजार करते रह जाएंगे। फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग किताब के अनुसार, यदि टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग इतनी बेहतर है तो इतने कम लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका शॉर्ट आंसर यह है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसान और अधिक आनंददायक है। बेशक इसके रिजल्ट्स बदतर होते हैं, लेकिन इसके रिजेक्शंस बहुत ही ज्यादा सहने योग्य होते हैं। और इसका बड़ा आंसर यह है कि टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग में तीन मेन रुकावटें हैं। नंबर वन, रिजेक्शन का डर। नंबर टू, प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर थ्री, परफेक्शनिज्म, रिजेक्शन का डर। सच्चाई यह है कि सेल्स बहुत कठिन है और एवरेज सेल्समैन को पूरे साल की तुलना में नॉर्मल वर्क डेज में ज्यादा रिजेक्शन मिलता है और रिजेक्शन को हैंडल करना मुश्किल है। वैसे भी हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें किसी न किसी तरह से दूसरों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग करने में सक्षम होने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए। हर कोई काफी अच्छा या सॉफ्टली बात करने वाला नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन, हम नॉर्मली उन कामों को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें हम करना पसंद नहीं करते। किसी पसंद न आने वाले काम को समय रहते कल पर छोड़ देना ज्यादा समस्याग्रस्त नहीं लगता, लेकिन उस आधार के पीछे एक झूठ छिपा होता है। वह कभी भी समय का पाबंद नहीं होता और अंत में समस्या बढ़ती जाती है। बच्चों की एक पहेली है जो इसका बखूबी उदाहरण देती है। इस तरह के पसंद न आने वाले काम के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप हर दिन अपना काम नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि महीने के आखिरी सप्ताह में आपको पूरा हाथी खाना पड़ेगा। मतलब इतना सारा काम हो जाएगा कि उस शॉर्ट टाइम में उसे कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल लगने लगेगा। स्पॉइलर, संभव नहीं। परफेक्शनिज्म फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग बुक में इस समस्या का उदाहरण एक रियल केस से दिया गया है जिसका सामना लेखक ने एक कंसल्टेंसी में किया था। जेरेमी और सैंड्रा उस कंपनी के लिए काम करते थे जिसने उसे काम पर रखा था। जबकि जेरेमी बहुत डिटेल ओरिएंटेड था, सैंड्रा एक बवंडर थी। जिस दिन ब्लाउंट उनसे मिले तो उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। 3 घंटे लगाकर जेरेमी ने अपने कस्टमर्स के नोट्स की सावधानी पूर्वक रिव्यू की और उनमें से 7 से बात करने में सक्षम हुआ। एक ही समय में सैंड्रा ने 53 बार फोन उठाया। ये सच है कि कुछ मौकों पर सैंड्रा कॉल के दौरान इस बात के लिए आभारी रही होगी कि उसने फोन उठाने से पहले अपने ग्राहकों के नोट्स पर अधिक समय और प्यार बिताया। लेकिन अधिक सच यह है कि उसके रिजल्ट्स ने जेरेमी को बेचैन कर दिया। 14 कॉलों में वह कंपनी के बाइंग डिसीजन मेकर से कांटेक्ट करने में कामयाब रहा और उनमें से 2 के लिए उसने मीटिंग फिक्स की। जब रिजल्ट प्राप्त करने की बात आती है तो अक्सर किया गया काम बाद में करने की तुलना में ज्यादा बेहतर होता है। प्रोस्पेक्टिंग और सेल्स की कुंजी क्या है? फाइनली सब कुछ एक पॉइंट के आसपास घूमता है, वो है नंबर्स। एक खास एथलीट के लिए नंबर्स में एक छोटा सा बदलाव ही सब कुछ होता है। 1 सेंटीमीटर या कुछ सेकंड ही एकमात्र ऐसी चीज है जो विजेता को उपविजेता से अलग करती है। सबसे बेस्ट और खास सेल्स पर्सन के साथ भी ऐसा ही है और इसीलिए वे अपने कॉन्टैक्ट्स की नंबर्स, अपॉइंटमेंट्स, रिस्पॉन्सेज और क्लोजिंग दरों का सावधानी पूर्वक एनालिसिस करते हैं। और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, वो है टेक्नोलॉजी की मदद से।